नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश यूट्यूब में। तो गाइस यार, यूपी स्कॉलरशिप 2020-21 देखिए सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चौंकाने वाले अपडेट है। जी हाँ गाइस, जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के सभी छात्रों की अपन लोग बात करेंगे, जिनमें छात्रवृत्ति को लेकर काफ़ी कुछ जो है वो घोटाला और जो भी घपला हो रहा है उस चीज़ को बताने वाला हूँ। और सिर्फ छात्रों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा जा रहा है इस वक्त भी, और कंटिन्यू पता नहीं क्या हो रहा है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता खुल के, ना DWO के बारे में, ना ही गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन ये चीज़ें सच नहीं, सारी चीज़ों को बताऊंगा। ये चीज़ें सही नहीं हैं यार, छात्रों के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं वीडियो में कुछ कहूं, आप सभी से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूंगा, वीडियो को टिल एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है कि छात्रवृत्ति अटकी, छात्र परेशान। जी हाँ गाइस, इस वक्त देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग के 50% छात्रों को इस बार नहीं मिल पाई है छात्रवृत्ति। क्या कुछ अपडेट है यहाँ से आप देख सकते हैं, अमृत विचार बरेली में न्यूज़पेपर में प्रमुखता के साथ प्रकाशित आज की ये लेटेस्ट अपडेट है। इस वक्त देख सकते हैं कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में पात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन हज़ारों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। और यहाँ पर आप देखिए चीज़ों को मैं हाईलाइट करता हूँ, उसमें शायद ब्लर दिखा रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आप चीज़ों को ज़रूर देखिएगा कि भाई क्या कुछ अपडेट है। अब छात्रवृत्ति आने का समय भी समाप्त हो चुका है, छात्रवृत्ति न मिलने की वजह से बजट न होना बताया जा रहा है। गाइज, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सामान्य वर्ग के 50% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के 9 से 10 तथा 6584 छात्रों को, दसमोत्तर में 23710 छात्रों को, और जिसमें सामान्य वर्ग के 50% छात्राएँ हैं जिनके खाते में छात्रवृत्ति नहीं भेजी जा सकी है। पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 से, यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग को भी यहाँ मेंशन किया गया है। साथ ही बात करेंगे डिप्लोमा में नियर अबाउट कितने 22,000 के ऊपर जो छात्र हैं वो नहीं पाए हैं, और फिर बात करते हैं 16,000 के ऊपर जो हैं वो ग्रेजुएशन में नहीं पाए, सिर्फ जनरल कैटेगरी के अपन लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए बहुत गलत हुआ, अफसर हैं वो आश्वासन दे रहे हैं कि भैया वेट कर लो आ जाएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम चल रहा है, मैं आपको 1 महीने पहले ही बता दिया था कि देखो भैया आप छात्रवृत्ति आने के चांसेस जो हैं वो कम हैं। बताया था कि नहीं बताया था? देखिए आप लोग, आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अपडेट अगर आपको रियल ऑथेंटिक जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आगे बहुत लंबा जर्नी होने वाला है, अगले सेशन में भी बहुत ज़्यादा काम की अपडेट होंगी। तो गाइस बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, न गवर्नमेंट का भरोसा है न DWO के अधिकारियों का। बाकी 22 में आपको क्या काम करना है 2022 में आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग को मेरी बातें सच लग रही हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वो राइट सर, बाकी का आपकी मर्जी। वीडियो को शेयर करना, और जितने लोग देख रहे हो सबसे अनुरोध है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया सोचो मत, आगे फॉर्म आने वाले हैं, जो भी स्कॉलरशिप के फॉर्म आने वाले हैं, जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को बताऊँगा। तो गाइस जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।